हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल। त्वचा के अंडरटोन या स्किन अंडरटोन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा इसे मेकअप के साथ जोड़कर ही देखते हैं। दरअसल अंडरटोन पता होने से आप अपने लिए सही बीबी, सीसी क्रीम या फाउंडेशन चुन सकती हैं। इसके साथ ही ये आपको ब्लश, आई शेडो और यहाँ तक कि कपड़ों के भी सही विकल्प चुनने का अच्छा विकल्प दे सकता है। पर प्रश्न ये है कि आप अपने स्किन के सही अंडरटोन को कैसे पहचानोगे। आइए जानते हैं क्या होता है स्किन अंडरटोन और आप कैसे पहचाने सकते हैं कि आपका स्किन अंडरटोन क्या है। क्या होता है स्किन अंडरटोन? जब आप कोई नई लिपस्टिक या बेस को अपने लिए चुनते हैं तो रंग आम तौर पर वही होता है जो आपकी त्वचा का रंग होता है। अंडरटोन आपकी त्वचा की सतह के नीचे प्राकृतिक रंगों को संदर्भित करता है। अंडरटोन आपकी त्वचा की सबसे निचली लेयर का कलर होता है। कभी धूप से आपकी त्वचा प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपका अंडरटोन नहीं बदलता। यानी कि आपको अपने कॉस्मेटिक्स त्वचा की रंगत के हिसाब से नहीं बल्कि त्वचा के अंडरटोन के आधार पर चुनना चाहिए। तीन तरह के होते हैं स्किन अंडरटोन। वार्म, पीली, पीची या सुनहरी त्वचा को अक्सर लोग वार्म स्किन अंडरटोन के रूप से जानते हैं। कूल, गुलाबी, लाल और नीली त्वचा कूल स्किन अंडरटोन में आते हैं। न्यूट्रल, ऑलिव या इन सब के अंडरटोन्स के मिश्रण को न्यूट्रल स्किन अंडरटोन माना जाता है। अंडरटोन को पहचानने के लिए क्या करें? आप अपने स्किन अंडरटोन को कई तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन सही अंडरटोन जानने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। दरअसल तीन पारंपरिक स्किन टोन होते हैं जो हमने आपको ऊपर बताया है। गर्म उपक्रम पीच से लेकर पीले और सुनहरे तक होते हैं। गर्म यानी वार्म स्किन टोन वाले कुछ लोगों की त्वचा भी खिली होती है। कूल अंडरटोन में गुलाबी और नीले रंग के रंग शामिल होते हैं, तो ये त्वचा सूखी पर पिंपल फ्री नजर आती है। वहीं अगर आप पास एक तटस्थ स्किन टोन है तो इसका मतलब है कि आपके उपक्रम आपके वास्तविक त्वचा टोन से समान है। इसलिए जब आप अपने मेकअप का चयन करें तो अपनी त्वचा के रंग को देखिए। यह आमतौर पर आपकी त्वचा की सतह के नीचे स्थित प्राकृतिक रंग के साथ मिश्रण नहीं करता है। अपनी नसों को देखें। अगर आप अपनी नसों को देख सकते हैं तो आप अपने रंग की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नसें हरी भरी दिखती हैं तो आपके पास वार्म स्किन टोन हो सकता है। आमतौर पर नीली या पर्पलिश दिखने वाली नसों वाले रंग कूल अंडरटोन में आते हैं। अगर आपके पास मिक्स्ड अंडरटोन है तो आपकी नसें बेरंग दिखाई दे सकती हैं या आपकी त्वचा के रंग से मेल खा सकती हैं। अपने गहनों का आंकलन करें। बहुत से लोग या तो चांदी या सोने के गहनों की तरह ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि यह उनकी त्वचा के विपरीत दिखते हैं। अगर आप पर पारंपरिक पीला सोना ज्यादा फपता है तो आपके पास चांदी, प्लैटिनम और गुलाब जैसे कूल अंडरटोन हो सकते हैं। अगर आपको चांदी और सोने दोनों में अच्छे दिखते हैं तो आपका स्किन अंडरटोन मिक्स्ड हो सकता है। न्यूट्रल कलर पसंद है तो न्यूट्रल रंग के कपड़े आपके स्किन अंडरटोन को भी इंगित कर सकते हैं। अगर आपको सफेद रंग ज्यादा पसंद है तो आप न्यूट्रल स्किन टोन के हो सकते हैं, जबकि गर्म उपक्रम ऑफ व्हाइट से बेहतर दिखते हैं। गर्म उपक्रम भूरे भूरे रंग पसंद करते हैं, जबकि कूलर टोन काले रंग से बेहतर दिखते हैं। अपनी आंख और बालों के रंग के बारे में सोचें। अगर आप विभिन्न हेयर डाई रंगों और आई शैडो के साथ खेल सकते हैं, आपकी प्राकृतिक आंख और बालों का रंग आपके अंडरटोन में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। प्लैटिनम और राग के रंग कूल अंडरटोन के पूरक हैं, जबकि महोगनी और सुनहरे रंग कूल अंडरटोन पर बेहतर दिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कोरोना वायरस को हराने में हमारी मदद करें। स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले नोटिफिकेशन में पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।